सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब घर में अच्छे होंगे, है ना। सेफ और सिक्योर रहिए, ठीक है। बिना मतलब का बाहर मत निकलिए, ठीक है। और जैसा कंडीशन चल रहा है हमारे यहाँ, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं, जितना हो सके घर पे रहिए। और सबसे अच्छा टाइम है आपके पास अभी अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो अपनी डेवलपमेंट के लिए, जैसा भी हो, एक्सरसाइज वगैरह हो या बुक्स वगैरह हो, जिस तरह से आप मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज करके घर में हेल्दी, फिट और सेफ रहिए, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने आपको बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में हमने आपको फीचर बताया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नौकरी क्या होती है, सर्विस देना क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? सो एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन और इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन अंडरगोज या अंडरटेक्स टू रेंडर पर्सनल सर्विसेज ऑन एन एग्रीमेंट इन अगेंस्ट ऑफ गेटिंग सैलरी। वंस अगेन, सो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन अंडरटेक्स और एग्रीज टू रेंडर, दैट मीन्स टू प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, है ना, इन अगेंस्ट ऑफ अर्निंग सैलरी, ठीक है, ऑन अर एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि एक इंसान है, वो क्या करेगा, किसी को सर्विस देगा एक एग्रीमेंट के तौर पे, ठीक है। वो एक एग्रीमेंट होगा वहाँ पे, उस एग्रीमेंट के तौर पे वो क्या करेगा, अपना सर्विस किसी को देगा जिसके साथ वो एग्रीमेंट करेगा। और वो सर्विस क्यों देगा उसको, अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा उसको, उसके अगेंस्ट में उसको सैलरी मिलेगा या वेजेस मिलेगा, इसी को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट करता है कि नहीं मैं अपना ये काम आपको करूँगा, या वो कंपनी वाला उसका एग्रीमेंट करता है कि आपको हमने इस काम के लिए रखा है और आप ये काम हमारी कंपनी में करेंगे, हमें आपको हम इतना पैसा देंगे, तो ये हो गया क्या, इसे कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पहला फीचर्स क्या है, इट इज़ अ पर्सनल सर्विस। अगर जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं, जितने भी नौकरी हैं, वहाँ पे आपको खुद पर्सनल सर्विस देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए मुझे नौकरी के लिए रखा गया है कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बदले में किसी और को भेज रहा हूँ कि आप जाओ आप क्लास करके आ जाओ, या कोई भी नौकरी अगर मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपने जगह किसी और को भेज सकता हूँ, नहीं, मुझे वहाँ जाके खुद से अपना सर्विस देना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए कुछ सामान बेचता, बिजनेस करता मैं, तो क्या होता, मेरा सामान है मैं मार्केट में छोड़ दिया, मेरे बदले में सेल्समैन जा रहे हैं, वो जाके सामान बेच रहे हैं, तो वो वहाँ पे पर्सनली होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम सर्विस की बात करते हैं, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो पर्सनल सर्विस टर्म यूज़ किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि आपको वहाँ पे मौजूद रहकर उस इंसान को, सामने वाले इंसान को सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला फीचर तो हो गया एम्प्लॉयमेंट का क्या, कि इट इज़ रिक्वायर्ड पर्सनल सर्विसेज, बाय इट इज़ अ पर्सनल सर्विसेज, वहाँ पे आपको पर्सनली जाकर सर्विस देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, हम जो काम करने वाले हैं, हम जो एम्प्लॉयर हैं, हमारे और एम्प्लॉय, जो मेरा ओनर है, मेरा बॉस है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। ही इज़ माई बॉस, वो मुझे ऑर्डर देगा, वो मुझे काम के इंस्ट्रक्शन देगा और मुझे उनका काम करना पड़ेगा। तो ये बात है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। और ये रिलेशनशिप जितना अच्छा रहेगा, इस रिलेशनशिप को जितना अच्छा बना के रखेंगे, उतनी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है हमारा और मेरे बॉस के बीच में, वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है कि भाई जब तक मैं ये काम यहाँ पे काम करूँगा, ये मेरा बॉस है, मैंने ये काम छोड़कर ये कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में चला गया, ये रिलेशनशिप मेरा खत्म हो गया, ठीक है। नो डाउट देर इज समथिंग अनदर, प्रोफेशनल्स के अलावा पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनली वो मेरे बॉस हैं और मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, है ना, ये चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में यही बात कर रहे हैं हम लोग, इस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में हम ये बात कर रहे हैं कि जो जब तक मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, तब तक वो मेरे बॉस और मैं उनका एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, रिवार्ड और रिटर्न। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कि फिर से फ्लैशबैक क्या था, बिजनेस जिम में हम जब काम करते हैं उससे जो हमें रिटर्न मिलता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रोफेशन में जो हम काम करते हैं उसमें जो हमें रिटर्न मिलता है उसको क्या कहते हैं, फीस कहते हैं। और अब यहाँ पे
जो हम एम्प्लॉयमेंट है, जो हम अगर नौकरी कर रहे हैं उसमें जो हमें रिवार्ड या रिटर्न मिलेगा हमारे काम करने के अगेंस्ट में उनको जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सैलरी कहेंगे या वेजेस कहेंगे। अगर मान लीजिए मुझे डेली का डेली पेमेंट मिलता है तो उसे हम वेजेस कहेंगे, और अगर मुझे महीने में पेमेंट मिल रहा है तो उसे हम सैलरी कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक और फीचर है वो क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ किसी भी नौकरी में मुझे किसी तरह का या हमें किसी तरह का पैसा इन्वेस्ट करने का दरकार नहीं पड़ता है। मेरा नौकरी कब स्टार्ट होता है, मेरा नौकरी करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मेरे पास मतलब सुटेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आई मस्ट हैव सुटेबल क्वालिफिकेशन जो उस पोस्ट के लिए चाहिए। मैं अप्लाई करूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा, चाहे वो भले एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो, चाहे वो इंटरव्यू के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरह से हो, तो मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा, मेरा एग्ज़ाम लिया जाएगा, मेरा सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे ही सिलेक्शन होता है मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कंपनी की तरफ से। कंपनी मुझे क्या करेगी, एक अपॉइंटमेंट लेटर देगी, वही होगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि मैं इस पोस्ट पे इस अहदे पे मेरा ये काम रहेगा, मेरी ये ड्यूटी रहेगी, है ना, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहेंगे, मुझे इतना सैलरी दिया जाएगा, ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे लिखे रहेंगे और मुझे उसको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया मेरी नौकरी लग गई और मुझे मैं महीने का काम करूंगा और मुझे महीने के एंड में सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये रिटर्न और रिवार्ड है ना, या जो मुझे इनकम मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, उसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करने के दरकार नहीं पड़ा। लेकिन बाकी मैं अगर बिजनेस करता तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, अगर मैं प्रोफेशन में रहता तो मुझे इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का दरकार नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, पहला क्या था, पर्सनल सर्विस, हमें वहाँ पर पर्सनल जाके सर्विस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉई और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, ठीक है, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। थर्ड पॉइंट आया था कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप रहेगा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जब तक मैं उस जॉब पे हूँ वो मेरे बॉस, मैं उनका एम्प्लॉय। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पता, रिवार्ड और रिटर्न। रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, मैं जो उनको सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस के अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे सैलरी मिल रही है। ठीक है, मुझे वहाँ से क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। और लास्ट पॉइंट क्या था, मुझे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बिजनेस का फीचर्स बताया था, फिर एम्प्लॉयमेंट का फीचर बताया, और आज हमने प्रोफेशन, सॉरी पिछले वीडियो में बिजनेस और प्रोफेशन का मैंने बताया था, और आज हमने आपके साथ एम्प्लॉयमेंट का क्लियर कर दिया। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन क्या है। अब आपको करना क्या है, या हमें एक चीज़ देखना है कि आपने एक चार्ट बनाना है, एक डिफरेंस आपके बुक में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। उसमें आपको क्या करना है, आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, काम करने का नेचर क्या होता है। तो बिजनेस में क्या था, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और डिफरेंस जो चार्ट बनाया हुआ उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में क्या दिया हुआ कि बिजनेस में क्या होता है, या तो आप गुड्स बनाते हैं बेचते हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, है ना, ये हम खरीद कर ला के बेचेंगे या तो बना कर बेचेंगे। प्रोफेशन में क्या होता है, यू आर गिविंग प्रोफेशनल एंड स्पेसिफिक नेचर सर्विस, है ना, पर्सनल सर्विस दे रहे हो, दैट इज ऑफ स्पेसिफिक नेचर फॉर सर्विस मोटिव पर्पस। और थर्ड में क्या है कि आप पर्सनल सर्विस दे रहे हो, है ना, किसी तरह स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हो ऑन एग्रीमेंट के बेसिस पे आप दे रहे, दिस इज द नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे आप बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, गुड्स बना के बेच रहे हो या खरीद के बेच रहे हो। प्रोफेशन में आप अपना पर्सनल, जो आपका आपने नॉलेज गेन किया था, उस नॉलेज से आप स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हो। और एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहे हो, आपके पास जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत आपको जो सर्विस दिया गया, जो काम दिया गया, वो काम आप दे रहे हो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, क्वालिफिकेशन चाहिए। बिजनेस के लिए किसी तरह का क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, ये बात क्लियर रखिएगा। आप जितने क्वालिफाइड हैं वो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन बिजनेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशंस क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब इन रूल्स रेगुलेशन मैं कह रहा हूँ इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप बस बिजनेस करना आपको चाहते हैं, आपको बिजनेस का नॉलेज है, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशन में आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, जिस चीज़ की आप सर्विस देने वाले हैं उसमें आपका स्पेसिफिक डिग्री होना चाहिए।
एम्प्लॉयमेंट में जितना प्रेस्क्राइब कर रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है, उतना आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप P1 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो हायर सेकेंडरी डिग्री चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, है ना। या आप अगर किसी क्लर्कल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो जो भी स्पेसिफिक वहाँ पर लिखा हुआ है उस जॉब के लिए पाने के लिए, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा आपको, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्रोफेशन में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा आपको, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं या आज आप टीचर हैं या आप CA हैं और अगर आपको प्रोफेशन में उतरना है तो क्या होगा, आपको अपना चैम्बर बनाना पड़ेगा, आपको अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा, उस ऑफिस के लिए आपको खर्चा बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का आपको क्या नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, रिवार्ड क्या मिलेगा आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपको सैलरी या वेजेस मिलेंगे, और अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको फीस मिलता है। इसके अलावा रिस्क है इसमें, बिजनेस में सिर्फ बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टेड है तो उसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो सिर्फ प्रोफेशन में हैं आप तो आपने थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आपको थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल रिस्क नहीं है, का नौकरी रेगुलर जो इनकम है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ, एक पॉइंट देखिएगा आपके बुक में लिखा हुआ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या, क्या आप अपना जो भी है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन जो भी है वो आप किसी और को दे सकते हैं क्या, ठीक है। तो बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस क्या है, बिजनेस आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप बिजनेस कर रहे थे या आपके पापा बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर होगा, वो आपके पास आएगा, है ना। या अगर आप अपना बिजनेस, आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं तो आप वो अपने भाई को बिजनेस दे सकते हैं, किसी को भी, आप किसी भी पापा मान लीजिए दूसरी जगह बिजनेस करने लगे, है ना, तो जो पुराना बिजनेस हो वो अपने आपके चाचा जी को दे दिए, तो जिसको मन करे आप उस बिजनेस को सौंप सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन बिजनेस, वेर इज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। आप डॉक्टर हैं तो आप अपने भाई को अपने डॉक्टर की जगह बिठा सकते हैं क्या, नहीं। आप CA हैं तो अपने भाई या बहन को आप बिठा सकते हैं क्या, जी नहीं। आपके पापा डॉक्टर हैं या पापा CA हैं या पापा इंजीनियर हैं तो क्या पापा की जगह आप जाकर काम कर सकते हैं क्या, नहीं। मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके बदले कोई और जाकर वो काम करें, ठीक है। तो ये सब था बेसिक डिफरेंसेस, इसके अलावा बहुत सारा डिफरेंसेस आपके बुक में लिखा हुआ है तो प्लीज़ काइंडली गो थ्रू इट, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक हो गया हम लोगों का, हमने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का डिफरेंस देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब सबसे बड़ी बात कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, उद्देश्य, ठीक है। अगर हिंदी में बात करो मतलब उद्देश्य कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिजनेस करने का कारण क्या क्या है, तो पहली बात देखते हैं हम, अगर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चले हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हम बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस करता है कि नहीं हम 10 लोगों को रोजगार देंगे, कोई कहता है कि नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं ताकि हमारे समाज में ये चीज़ नहीं है इसको हम प्रोवाइड करा सकें, नो डाउट हम ये सब सोच के बिजनेस करते हैं। तो ये सब सोच को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब होता क्या है कि बिजनेस सिंस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से हम बिजनेस से क्या चाहते हैं, ये पहला पॉइंट आ जाएगा जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या है, हम समाज में रहकर बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी में रहकर बिजनेस कर रहे हैं, तो सोसाइटी को हम, सोसाइटी से हम बिजनेस को क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या सोसाइटी, हमारा सोसाइटी जो है वो बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। हम उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, या सोसाइटी को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या हेल्प कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है, जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे कस्टमर्स हो गए, मेरे साथ मेरे वर्कर्स हो गए, मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स हो गए, है ना, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिविजुअली, है ना, उनसे बिजनेस क्या चाहती है, या बिजनेस को उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, या उन लोगों को बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है, हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में आप देखिएगा कि वी कैन, उसका अलग अलग पार्ट है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, आप देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट,
पहला बात क्लियर, जो मैंने बताया था आपको कि बिजनेस एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गुड्स का लेन देन किया जाता है, पैसों से लेन देन किया जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, क्रिएटिविटी क्रिएट किया जाता है ना, उसकी यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। तो ये सब रीज़न देखा हमने कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एक बात यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, एक्टिविटी मतलब हो गया काम है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, मेरा उद्देश्य क्या है, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो क्वेश्चन आता है व्हाई बिजनेस इज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटी अलग हो गया और ऑब्जेक्टिव जो है वो टोटल अलग हो गया। तो जब हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, तो पहला पॉइंट हमारा क्या मिला हमें, टू अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस करते समय क्या होगा, हमारा मेन काम क्या है, मेन टारगेट क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए। क्यों चाहिए बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए, या हमें प्रॉफिट क्यों चाहिए बिजनेस करते हुए? तो भाई अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा ज़िंदगी कैसे चलेगा, हमारी लाइवलीहुड कैसे चलेगी, हमारा लर्न मतलब अर्निंग कैसे चलेगा, है ना। ये चीज़ के लिए हमें खुद को जीने के लिए, बिजनेस को जीने के लिए, है ना, हमें प्रॉफिट जरूरी है। तो फर्स्ट एम हम क्या करेंगे, हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन एम फोकस क्या रहता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए। वो अमाउंट कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, जो भी रहे, लेकिन हमारा मेन टारगेट रहता है कि जितना जल्दी हो सके हम बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि बिजनेस से जब प्रॉफिट करते हैं, उसके अलावा हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि बिजनेस को बचा कर रखना, सर्वाइवल, ठीक है। अब बिजनेस बचेगा कैसे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से लिंक करके मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट में कैसे आएंगे। बिजनेस को बचा कर रखना, सर्वाइवल, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। सर्वाइवल क्यों सर, सर्वाइवल इसलिए कि अगर आप बिजनेस आपका बचेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे करेंगे आप? अगर आपका बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस ही आपका बंद हो जाए, तो आप प्रॉफिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एंगल से देखिए सर, सर्वाइवल करेंगे कैसे, तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए आपको। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कितने दिन तक लॉस में रहकर अपने बिजनेस को चला पाएंगे, कितने दिन तक, एक साल, दो साल, बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आप में, तीन साल, चार साल, पाँच साल, उसके बाद आप हार मान जाओगे, आप थक जाओगे कि यार मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को इनकम नहीं मिल रही है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, बिजनेस एक समय जाएगा क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सर्वाइवल। थर्ड पॉइंट क्या था, क्या है, वो है ग्रोथ, ठीक है। बिजनेस जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एक दुकान आपने स्टार्ट किया, तो आपका एम क्या रहेगा कि वो दुकान जो है उसका क्या हो, धीरे 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 बढ़े। आप KFC का नाम सुनते हैं, आप डोमिनोज का नाम सुनते हैं, आप आपके घर के आगे जितने भी आप रिपोर्ट्स का नाम सुनते हैं, तो ये सब जो कंपनीज का नाम सुन रहे हैं, या ऐसे जो बिजनेस का नाम सुन रहे हैं आप, बिग बाज़ार का नाम सुनते हैं आप, विशाल का नाम सुनते हैं, जो भी सुन रहे हैं आप, अब इससे क्या मिल रहा है देखने के लिए आपको? सिंपल सी बात है कि एक बिजनेस उसने स्टार्ट किया, उसका एरिया उसने कैप्चर किया, अब क्या हुआ, उसने उसको बड़ा करना है, उसको धीरे धीरे क्या करना है, उसको बड़ा करना है। तो बिजनेस को बड़ा करना ही एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हम एक और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कि ये क्या कि बिजनेस हमारा धीरे 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 बड़ा हो। आज मेरे पास 10 कस्टमर हैं तो कल मेरे पास 15 कस्टमर होना चाहिए, है ना। एक महीने बाद ये कस्टमर की वैल्यू 20 होनी चाहिए, दो महीने बाद 40 होनी चाहिए, जो भी एक रेशियो, मेरा बिजनेस धीरे 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 बड़ा करे। आज मैं नागांव में बिजनेस कर रहा हूँ, कल मैं नागांव और तेजपुर में बिजनेस करूँ, ये सब मेरा बिजनेस धीरे धीरे क्या हो, बड़ा हो। मे बी इस साइड से या मेरे पास वैराइटीज ऑफ गुड्स आ जाए। आज के दिन में टाटा को देखिए आप, टाटा पहले आयरन एंड स्टील में था, उसके बाद उन्होंने नमक लाया, टाटा नमक बनाया, है ना। टाटा फिर अब मोटर्स बनाना शुरू किया उन्होंने, उसके बाद टाटा टी है। तो कितने सेक्टर्स हैं टाटा के, है ना। आप रिलायंस को देखिए, जियो जो कंपनी है उनके देखिए आप, रिलायंस फ्रेश है उनके पास, पेट्रोलियम है उनके पास, और आज के दिन में जियो है उनके पास, AGU है उनके पास। तो बिजनेस को ग्रो करना हमारा एक और मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सर्वाइव करे, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है कि आप जो भी गुड्स और सर्विसेज डील कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ डील कर, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज सर्विस, तो मेरा एम क्या होना चाहिए कि मैं जितना अच्छे से आपको पढ़ूँ, है ना, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा एम क्या होना चाहिए कि मैं जितना अच्छा सर्विस दे सकूँ आपको, मैं जितना ज़्यादा अच्छा सर्विस दूंगा उतना आप सेटिस्फाइड होंगे, आप जितना सेटिस्फाइड होंगे उतने दूसरे लोगों को कहेंगे, है ना, और मेरा कस्टमर जो है वो बढ़ेगा। अगर सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, तो सेम बात है, अगर गुड्स की बात करते हैं तो क्या होगा, एक आपने 10,000 का देकर के मोबाइल फ़ोन खरीदा, मार्केट में नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था,
आप वो मोबाइल फ़ोन खरीदे, उसके बाद आपको फील हुआ कि ये 10,000 का फ़ोन नहीं था, ये फ़ोन का नाम, ये फ़ोन का फीचर जो है वो दूसरे मोबाइल में 5,000 में मिल जाएगा, या इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको ये फील हो तो क्या करोगे? अगली बार उस कंपनी के लिए प्रमोट करोगे किसी को? आप किसी को भेजोगे उस कंपनी में, या आप खुद दोबारा उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपका एक और मेन एम होना चाहिए क्या, कि आप जितना हो सके क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। उससे क्या होगा, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो आपका गुड्स का डिमांड बरकरार रहेगा और आपका बिजनेस धीरे 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 ग्रो करेगा और आपका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है क्रिएटिंग मार्केट। कि हमें क्या करना है, हमें मार्केट क्रिएट करना है। और मार्केट क्रिएट कैसे करेंगे, सेल्स को इंक्रीज करके। मार्केट क्रिएट करना मतलब सर, तो भाई देखिए मैंने बताया आपको कि आज मेरा नौगांव में बिजनेस है, मुझे मार्केट क्रिएट करना है, तो मैं बिजनेस कहाँ करना चाहूँगा और कहाँ बढ़ाऊँगा? टाउन में मेरा बिजनेस था, अब धीरे धीरे बिजनेस मैंने क्या किया, एक्सपांड किया। कैसे ग्रो किया, मैंने अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया। कैसे, मैं रुपही जाके अपना माल देकर आया, मैं कलियाबर जाके अपना माल देकर आया, मैं सामागुरी जाके अपना माल देकर आया, जितने भी आसपास के एरिया था मैंने वहाँ वहाँ जाकर माल देकर आया। ठीक है, तो आसपास के जितने मार्केट में मैं जब माल देना स्टार्ट किया तो हुआ क्या, मेरा मार्केट धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। अब मैं पूरे नौगांव में बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, अब मैं तेजपुर बिजनेस करूँ, अब मैं होजाए बिजनेस करूँ, अब मैं लंका बिजनेस करूँ, है ना, अब मैं गुवाहाटी बिजनेस करूँ। तो ये हो गया मार्केट क्रिएट करना। कि मार्केट क्रिएट करने का अगर और सिंपल डेफिनेशन मैं आपको दूँ या और सिंपल आपको समझाना चाहूँ, मार्केट क्रिएट करना मतलब क्या, आपके पुराने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करते हुए नए कस्टमर्स ढूंढना। आपके जितने पुराने कस्टमर्स हैं, आपके पास 10 कस्टमर थे, आपके पास 100 कस्टमर थे, आप उनको सेटिस्फाइड रखे हुए हो, और साथ ही साथ आप हर महीने या हर दिन या हर नेक्स्ट मोमेंट, हर नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर्स का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर रहे हो, आप नए नए कस्टमर्स इंक्रीज़ कर रहे हो। और ये नए नए कस्टमर्स कैसे इंक्रीज़ होगा, सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हो। आप सुने हो ना कि बहुत सारे कंपनीज अपना या मैक्सिमम कंपनीज जो अपने सेल्समैन रखती है, सेल्समैन मतलब क्या, क्यों रखती है, सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। और सेल को इंक्रीज़ क्यों करना है, मार्केट क्रिएट करने के लिए। तो ये बात, दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसके अलावा और भी है, जैसे इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है, वो सब पॉइंट्स है। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, तो फिर से एक बार रिविजन दे देते हैं, क्या क्या था मैंने बताया आपको, ग्रोथ बिजनेस को, सॉरी फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट इनकम करना सबसे मेन बात, सर पीछे मत कीजिए इसको, सबसे पहले रखिए इसको। बिजनेस क्यों करना है हमें, पहला बात क्या है, हमें प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करना है। सेकंड क्या करना है हमें, हमारे बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस बच के रहे, दूसरा ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, कि नहीं प्रॉफिट आ रहा है, बच के है, तो धीरे धीरे बढ़ा भी होना चाहिए, ग्रोथ हो गया। ठीक है, उसका ग्रोथ हुआ तो ये सब तीनों कैसे होगा, तो फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। ये तीनों करने के लिए आपको बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा और डिलीवर करना पड़ेगा। आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी गुड्स बनाइए, अच्छे से सर्विस दीजिए लोगों को, तो ये तीन चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका बिजनेस इतना बड़ा हुआ तो आपको मार्केट क्रिएट करना है, नया नया मार्केट क्रिएट करना। आप एक जगह बिजनेस कर रहे हैं, धीरे धीरे दूसरी जगह बिजनेस कीजिए, है ना। तो दीज आर द 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। होप समझ में आया आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, सॉरी सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ बी सेफ एट योर होम। थैंक यू।